जय श्री राम दोस्तों, मैं राकेश सिन्हा योगा टीचर वियतनाम से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। अभी दो दिन पहले ही हनुमान जी की कृपा से मैंने ये मोबाइल खरीदा है, आईफोन 14 प्रो मैक्स 256 GB। अब आप इसका दाम पूछेंगे, हम इसका दाम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? मैं इसका प्राइस बता के किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता हूँ। लोगों की अलग अलग सोच, अलग अलग मानसिकता है। कई लोग सोचेंगे भैया विदेश में रहते हैं, इतना महंगा फोन खरीदे हैं। कई लोग सोचेंगे भैया स्वैप कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस आईफोन को क्यों खरीदा हूं, किस लिए खरीदा हूं, आपको एक एक बात बताऊंगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरी इतनी औकात नहीं कि हम इतना महंगा फोन खरीद पाए। ये सब हनुमान जी कर रहे हैं, बस हमारा नाम हो रहा है। हनुमान जी के लिए दो लाइन कहना चाहूंगा, आप सुनिएगा जरूर। इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं। और ये तो कृपा है हनुमान जी महाराज की, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। ये फोन मैं सनातन धर्म के प्रचार के लिए लिया हूं, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने के लिए लिया हूं, यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए लिया हूं। आप लोगों का ही मैसेज आ रहा था कि भैया इंस्टाग्राम पर कब लाइव आएंगे, भैया इंस्टाग्राम में 3 से 4 महीना हो गया लाइव नहीं आ रहे, भैया यूट्यूब पे आप वीडियो नहीं बना रहे, यूट्यूब पे कंटिन्यू वीडियो बनाइए। इसलिए मुझे ये फोन खरीदना पड़ा और आज हनुमान जी की कृपा से ये फोन मेरे पास है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग खरीदते हैं गाड़ी घोड़ा बंगला मोटर कार, लेकिन उनको घमंड हो जाता है कि ये मैंने खरीदा है। ये याद रखें आप कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सब करते हैं भगवान। भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो आप इतनी महंगी चीज कैसे खरीद सकते हैं। आज मैंने ये आईफोन खरीदा है। आईफोन का दाम आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज के जो युवा हैं, भाई बहन, उनको सब पता है आईफोन का क्या ट्रेंड है और कितना दाम है। ठीक है, तो इतनी मेरी औकात नहीं। अभी मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब कर रहे हैं हनुमान जी, बस हमारा नाम हो रहा है। और ये फोन मैं सच बता रहा हूँ आपको, सनातन धर्म के प्रचार के लिए खरीदा हूँ। जहां पर सनातन धर्म में रोक आएगी उस चीज को ही हटा देंगे। पहले मेरे पास ये फोन था आईफोन 8 प्लस, इससे मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आता था, वीडियो बनाता था और यूट्यूब के लिए भी वीडियो बनाता था। अभी भी इंस्टाग्राम पर वीडियो इसी से बना रहा हूं और इंस्टाग्राम ऐप जब खोलता हूं उसका कैमरा से वीडियो बन जाता है, लेकिन जब इसका नॉर्मल कैमरा खोल रहा हूं और वीडियो बना रहा हूं यूट्यूब के लिए तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। 3 से 4 महीना हो गया इंस्टाग्राम पर लाइव नहीं आया हूं। 2-3 बार लाइव आने की कोशिश मैंने किया है इस फोन से, लेकिन आवाज बिल्कुल भी आप तक नहीं पहुंच रही है। तो बहुत सारे लोगों का मैसेज था, कॉल था इंडिया से कि भैया आप लाइव आइए, क्योंकि हम हर वीक लाइव आते हैं सैटरडे 8:30 बजे इंडियन टाइम में, और 3 से 4 महीना से लाइव नहीं आ रहा था और यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो ये फोन हनुमान जी की कृपा से मेरे पास आ गया है। अब ये फोन तो आ गया है, मेरे सदस्य पूछ रहे हैं तुम नया फोन लेके क्यों नहीं आ रहे। आप सबको तो पता है मैं वियतनाम में योगा टीचर हूँ, जिनको नहीं पता उनको बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर योगा टीचर हूँ और पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ वियतनाम में। तो मेरे सदस्य पूछ रहे हैं भैया आप नया फोन लेके क्यों नहीं आ रहे। मैंने उनको बताया गूगल ट्रांसलेट करके कि ये फोन मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए लिया हूँ और इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने के लिए लिया हूँ और सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए लिया हूँ, मैं दिखावा करने के लिए नहीं लिया हूँ। अगर मैं चाहता तो ये फोन योगा सेंटर लेके जाता, 3-4 दिन खरीदे हुए हो गया, लेकिन मैं इस फोन को लेके नहीं जा रहा हूँ। मैं इस पुराने वाले फोन को ही सेंटर लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद दिखाना नहीं है, मेरा मकसद सनातन का गुणगान करना, राम जी हनुमान जी का गुणगान करना। तो मैं वियतनाम से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, हिंदुत्व का गुणगान करता हूँ, सनातन धर्म का गुणगान करता हूँ, राम जी हनुमान जी का गुणगान करता हूँ। बस आप मेरा सपोर्ट कीजिए, हम आगे जाके बहुत कुछ करेंगे। हम नहीं करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। आपको पता है YouTube चैनल मोनेटाइज हो चुका है, जैसे YouTube से अर्निंग शुरू हो जाएगी हम सब मिलके किसी निडी पर्सन को मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप सभी को मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास 2 से 3 मिनट है, 24 घंटा है, अगर उसमें से आप 3 से 4 मिनट निकालेंगे, आप मेरा वीडियो देखेंगे, हो सकता है एल्गोरिथम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएगा और जितना ज्यादा लोग वीडियो देखेंगे उतना ज्यादा ही अर्निंग होगा, और जितना ज्यादा अर्निंग होगा हम लोगों को मदद पहुंचा पाएंगे। और कुछ भी हिडन नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि मैं अभी बोल रहा हूं कि लोगों को मदद पहुंचाऊंगा फिर अर्निंग होगा, मैं मदद नहीं करूंगा। जो भी कहता हूं खुल्लम खुल्लीम कहता हूं और फेस टू फेस कहता हूं। जो कुछ भी करूंगा सोशल मीडिया पे करूंगा और पब्लिकली करूंगा। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर चले जाइए और वहां पर आपको दिख जाएगा कि मैं वियतनाम में भी लोगों का सेवा करता हूं, वियतनाम में भी लोगों का मदद करता हूं। मैं जहां भी रहूंगा लोगों का मदद करूंगा, क्योंकि मैं इंसान हूं और इंसानियत सबसे पहले है। ऐसा नहीं कि इंडिया में जो गरीब है मैं उसका मदद करूंगा, उसके लिए मदद पहुंचाऊंगा। यहाँ के गरीब भी गरीब है, आप इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, आज भी वीडियो डाला हूं,
मुझे कहीं भी मिलते हैं ऐसे लोग, मैं मदद करता हूं और मुझे खुशी होती है क्योंकि मैं एक माध्यम हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब भगवान कर रहे हैं। भगवान मुझे दे रहे हैं, मैं उनको दे रहा हूं। मेरी अपनी औकात नहीं हम किसी को दे, भगवान सब कुछ कर रहे हैं। भगवान मुझे दे रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं, क्योंकि हम बीच में एक माध्यम है। तो ऐसा काम सबको करना चाहिए। बस यही आपसे विनती करूंगा कि आप सब ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। जैसे आप इंस्टाग्राम पर सपोर्ट करते हैं, उसी तरह आप यूट्यूब पर भी सपोर्ट कीजिए। अगर यूट्यूब से कुछ अच्छा होगा तो हम लोग किसी का मदद कर पाएंगे। वियतनाम से सनातन धर्म का, हिंदुत्व का गुणगान करता हूँ। जितने भी लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, लव यू इंडिया।